अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेरा भी, आप देख रहे हैं टीफर तमाशा। उम्मीद करता हूं आप खैरियत होंगे। इस समय मौजूद हूं पीएफ वाक एंड वेफर क्लब में और जश्न आज़ादी टूर्नामेंट चेयरमैन पीएफ बोर्ड की जानब से जारी वसारी है। आइए आपको लड़कों से मिलवाते हैं, प्लेयर से मिलवाते हैं, वो क्या कहते हैं और कितना इन्जॉय कर रहे हैं टूर्नामेंट की, क्या प्रोग्रेस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहताब अहमद। अच्छा मेहताब, अभी बताएं टूर्नामेंट कब से शुरू है, इसका फाइनल क्या है और क्या प्रोग्रेस है इस टूर्नामेंट की? टूर्नामेंट तो अभी दो तीन दिन पहले शुरू हुआ है और इसमें जो है 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 2 पूल्स बने हैं, पूल ए पूल बी, तो इसमें भी सब मैचेस हो गए, फाइनल मैचेस हैं बस। तो फाइनल इसका 17 को होगा, 17 अगस्त को। कौन है मेहमान खुसूसी? मेहमान खुसूसी हैं वो चेयरमैन पीएफ बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खैरियत अल्लाह का। साजिद भी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कोरोना के बाद क्लब पहला ओपन हुआ और ये पहला टूर्नामेंट हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हम तो मशहूर हैं इंतजामिया के और चेयरमैन साहब के कि ये बहुत टाइम हो गया था कि लोग एक्सरसाइज के लिए तरस रहे थे और घरों में मैसूर होकर रह गए थे, तो अल्लाह ताला के फजल से ये कोरोना का जो है मामला कम हुआ और चेयरमैन साहब ने और पीएफ के हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब की दिल्ली जो है वो लगाव की वजह से बास्केटबॉल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया चेयरमैन साहब की इजाज़त से। इससे पहले क्रिकेट को भी जो है ना, क्रिकेट के लिए फ्लड लाइट टूर्नामेंट हुआ और एक जारी है अभी, जो हार्ड बॉल का टूर्नामेंट है वो जारी है, तो उसी सिलसिले में ये भी हमारा बास्केटबॉल का भी हुआ, इसमें भी मुख्तलिफ टीमें आई, आपने देखा होगा तमाशाई भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और तमाशाइयों को भी मौका मिल गया बाहर निकलने का। खैर सबसे बड़ी हमें खुशी ये है कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है ये 14 अगस्त है ना, इसको भी इंजॉय कर रहे हैं हम साथ। चेयरमैन साहब की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि इसके बाद नेशनल लेवल जो नेशनल चैम्पियनशिप या ऑल पाकिस्तान कुछ करवाने का मूड है? लेकिन चेयरमैन साहब तो चाहते हैं कि वो हमारी यहाँ वाह की टीमें आलमी सतह पे जाएं, वाह के खिलाड़ी जो हैं वो आगे जाएं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से ही तो खिलाड़ियों को एकेडमी की सूरत में जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे हेड कोच एहसानुल्लाह मरोज साहब, बिल्कुल उनके पास से भी जाएंगे हम, उन्हीं की जेर सरपरस्ती ये सारे सिलसिले हो रहे हैं। सादत भाई, टूर्नामेंट कैसा चल रहा है और कैसी प्रोग्रेस है इस टूर्नामेंट? टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त से, ठीक है सर, और अभी जो है हमारी टीम फाइनल्स में और इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे। कौन अच्छा खेल है प्लेयर्स? होपफुली हमारी टीम अच्छी खेल रही है इंशाल्लाह। वारीपर्स पीएफ का टूर्नामेंट है तो वारीपर्स की जो टीम थी, जितने टीम के लड़के हैं वो डिफरेंट टीम्स में इंडिविजुअली खेलें, डिवाइड हो गए। बिल्कुल, आप किसको सपोर्ट करें ज़्यादा तौर? अपनी टीम के अलावा? अपनी टीम के अलावा पीएफ की दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो इस्लामाबाद से मैच हारी है तो उसकी वजह से वो अपना फाइनल नहीं खेल पाएगी, हमारा फाइनल इस्लामाबाद की टीम्स के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, यंगस्टर को क्या कहते हैं वाक एंड के डिग्री कॉलेज से रिलेटेड जो हमारे लड़के, उनको क्या कहना चाहेंगे? और खुद डिग्री कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। बिला शुक्रिया जी, तो डिग्री कॉलेज का 2 साल में ही कैप्टन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिग्री को तो जितवाया है, ठीक है। और हमारे साथ आप जानते होंगे ताहिर, बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आज वो इधर ही थे लेकिन आपको उनसे मिलवा नहीं पाया। स्पॉट में इंशाल्लाह मैं उनकी तस्वीर ज़रूर डाल दूँगा जी। इंशाल्लाह जी, ताहिर की तस्वीर आप लाजमी देखिएगा, अच्छा प्लेयर है। और बाकी ये है कि फाइनल में हमें बेस्ट ऑफ लक ज़रूर विश कीजिए। बताता चलो, उस टाइम टूर्नामेंट के सबसे लंबे और वाकेंड के सबसे लंबे बास्केटबॉल प्लेयर सैयद मुनीब हसन शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं टूर्नामेंट के बारे में। सही, टूर्नामेंट कैसा चल रहा है? जी बहुत ज़बरदस्त, और पीएफ की बहुत अच्छी कोशिश। और मेरा भाई, आपकी बात में एक इजाफा करता चलो, सिर्फ टेक्सलावा के रीजन में नहीं बल्कि पूरे डिवीजन में सबसे टॉलेस्ट मैन हूँ मैं बास्केटबॉल में। बिल्कुल। अच्छा, आपकी टीम इस टाइम कहाँ पहुँची हुई है? इस टाइम हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अभी हमने वाह की टीम को, पीएफ टीम की जूनियर टीम को हराया और अब हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो क्या लगता है फाइनल जाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर टूर्नामेंट कब से शुरू है? टूर्नामेंट हमने अपना 10 अगस्त से 15 अगस्त तक
फाइनल था, लेकिन अब उस्ताने ने थोड़ी मतलब कुछ हमारे क्रिकेट का मैच हो रहा है उसकी वजह से उसमें थोड़ा चेंज, इंशाल्लाह 17 को हमारा फाइनल होएगा जिस पे हमारे चीफ या चेयरमैन पीओ बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब उस पर इंशाल्लाह आएंगे। सर आपको हमेशा ग्राउंड में देख के बहुत खुशी होती है, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ज़ाती तौर पर, आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे? सर देख रहे यंगस्टर, देख रहे आपके सामने यंगस्टर के साथ दिन रात मेहनत, लेकिन हमारे चेयरमैन पीओ बोर्ड का विजन देख रहा, कोरोना की वजह से ग्राउंडें हमारी टोटली बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा प्राइड अभी तक पूरे मुल्क के लिए और पर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने पीओएफ में क्या आप स्पोर्ट्स इंशाल्लाह चलाएं, जिसके आपके सामने पहले क्रिकेट टेनिस बॉल फाइनल हो गया, अब क्रिकेट का हार्ड बॉल हो रहा है, साथ ही बास्केटबॉल का टूर्नामेंट, और इंशाल्लाह उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके बाद आल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट नेशनल लेवल पर हम कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वाक एंड पीएफ बोर्ड चेयरमैन साहब ने अपनी खसूसी दिलचस्पी से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान और नेशनल चैंपियनशिप भी यहाँ पर होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह।